और हम बात करें तो टीम कोबरा स्टेडियम की तरफ जा चुके हैं। ये चैलेंज यहाँ पर टीम बॉडी स्पोर्ट्स को हो सकता है और गाड़ी लेके टीम बॉडी स्पोर्ट्स के प्लेयर शायद यहाँ पर दो मैन ही हैं अभी स्टेडियम पे, बट उनके प्लेयर्स बैकअप के लिए आ चुके हैं। एक का नुकसान शायद झेलना पड़ेगा, सिंगर यहाँ पर हो जाएंगे डाउन। कवर अप के लिए यहाँ पर आए जरूर प्लेयर हैं, हाँ बड़ा जो इनको यहाँ पर प्रॉपर कवर प्रोवाइड कर पाएंगे। ये लीजिए विंडो का बहुत ही प्यारा एंगल, डी एलेक्स कोशिश कर रहे हैं, डॉट है ब्रिज के वो नीचे घुस चुके हैं तो बहुत बढ़िया। लेकिन इसी बीच में टीम बॉडी स्पोर्ट्स अग्रस करना चाहती है रियो ई-स्पोर्ट्स पे, देखते हैं वो फाइट क्या रहने वाली है, बिकॉज एक्सलाम इन देते हुए विजन ने जरूर रबर को डाउट किया है। एलियट फायर क्या आएगा टीम बॉडी स्पोर्ट्स की तरफ से, बिकॉज रियो आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वायरस की तरफ शॉट्स एंड देखते हैं स्पॉट कर रखा है, शॉट लेके काफी अच्छी तरीके से फ्री फायर इस्तेमाल करते हुए विजन और एक और नॉक किया। तो चलिए शुरू करते हैं, तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। टीमें लीड करती हुई गॉड ईस्पोर्ट दिख रही है, पीछा करती हुई बहुत सी टीमें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब पीछा पकड़ पाना गॉड ईस्पोर्ट को काफी मुश्किल होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं असली लड़ाई #2 #3 के लिए भी रहेगी। टॉप 5 में आ जाना इस लॉबी के अंदर वो भी टीमों के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, तो डेफिनेटली टीमें चाहेंगी उस चीज को चेज करना कि अगर #1 नहीं तो कम से कम #2 तक पहुंच पाए, और उसमें अभी तक पहाड़ी ई-स्पोर्ट #2 देख रहे हो, लेकिन इसी के साथ पोस्ट मैच का फ्लाइट पाथ आ चुका है, जो कि एक डिसेंट फ्लाइट पाथ देखने को मिल रहा है हमें, थोड़ा सा साउदर्न एंड को जरूर सपोर्ट कर रहा है, रेन से होता हुआ हमारा पायलट प्लाजा के बगल में जाके खत्म हो रहा है। देखिए टीमें नॉर्दर्न एंड जाने वाले, थोड़ा ग्लाइडेबल सिचुएशन है लेकिन जा सकती है टीमें। अगर मैं बात करूँ प्लेन पाथ की तो काफ़ी ज़्यादा एक डिसेंट है, और वरांगा में तो ये जो चीज़ है कि थोड़ा सा ग्लाइड करके आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं, तो बिल्कुल वहां पर टीमें अपना उतरना चालू कर चुकी है। टीम रॉयल यहां पर जरूर नज़र आ रही है, टोनी उनकी टीम में आ चुके हैं, तो बदलाव भी हमने इस पूरे स्क्रिप्ट में देखा है। एज यूजल यहाँ पर टीम पहाड़ी आइस कैसल की तरफ जाते हुए दिख रही है, टीम रियो फैक्ट्री की तरफ, और आज भी चाहेगी कि उस रिज के ऊपर आ जाए। और हम बात करें तो टीम कोबरा स्टेडियम की तरफ जा चुके हैं, ये चैलेंज यहाँ पर टीम बॉडी स्पोर्ट्स को हो सकता है, और गाड़ी लेके टीम बॉडी स्पोर्ट्स के प्लेयर शायद यहाँ पर दो मैन ही हैं अभी स्टेडियम पे, बट उनके प्लेयर्स बैकअप के लिए आ चुके हैं। ये स्लैमन जो है वो कहीं ना कहीं आई थिंक ड्रॉप क्लास जो है ये थोड़ा सा मुसीबतें खड़ी कर सकता है। फिलहाल यहाँ पर दूर थे दो प्लेयर्स, वो व्हीकल लेकर आ चुके हैं, व्हीकल तो यहाँ पर जरूर मिल चुका है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टेंस जरूर क्रिएट किया गया है गॉड के द्वारा। दो प्लेयर स्विमिंग पूल साइड में है और मेन बिल्डिंग पे दो प्लेयर्स हमें नजर आ रहे टीम गॉड के, और कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर टीम गॉड के प्लेयर्स चारों के चारों प्लेयर्स किसी एक पार्ट पर पुश कर दें तो शायद दो धावकों को शायद यहां पर एलिमिनेट कर सकते हैं, एंड उसके बाद कोबरा के लिए यहां पर इजी रहेगा। बट एक फर्स्ट ब्लड का नाम यहां पर टीम INFK द्वारा यहां पर आता हुआ, टीम रॉयल से अगेन यहां पर बढ़ते हुए, एंड आई थिंक जाते जाते एक फिनिशर जरूर बटोर ले जाएंगे। एंड ओके ये लीजिए रॉयल का टोनी को यहां पर गवा चुके हैं, गॉड एडिकाई का तगड़ा वार, और कोबरा को एक नुकसान शायद झेलना पड़ेगा, सिंगर यहां पर हो जाएंगे डाउन। कवर अप के लिए यहां पर आए जरूर प्लेयर हैं, बड़ा टोनी को यहां पर प्रॉपर कवर प्रोवाइड कर पाएंगे। ये लीजिए विंडो का एक बहुत ही प्यारा एंगल, डी एलेक्स कोशिश कर रहे हैं, डॉट एचबी पे यहां पर सर्वाइव करते हुए अप एंड देन साइड गए, और देखते ही वन बाय वन करते हुए टीम गॉड बड़ी आसानी से यहां पर एलिमिनेट करते हुए नजर आई, एंड गॉड हैविंग अ टोटल फोकल इन द बैक पार्ट। अ फ्यू इंचेस लेटर काफी बेहतरीन प्लेयर है, उम्मीद है कि परफॉर्मेंस वैसे ही उधर पीएच ऑफिशियल टीम रियो के ऊपर काफी ज्यादा कहर बरपा रही है। दो प्लेयरों को वहां नॉक देखने को मिल रहा है टीम रियो के, टीम पीएच द्वारा ब्रिज के नीचे। टीम पीएच की सबसे अच्छी खासियत है कि आप कभी भी टीम पीएच को top 2 top 3 में हमेशा देखेंगे, किसी ना किसी तरीके से वो पोजीशन पॉइंट अपने लिए लेकर के जाते हैं और वो काफी बेहतरीन तरीके से करते हैं। टीम गॉड काफी अच्छी पोजीशन पे है, लेकिन अभी जोन का फेवर आ चुका है, अगर टीम गॉड अभी पुश करती है यहाँ पे तो काफी बेहतरीन, लेकिन एक और किल निकालेगी जॉर्ड, इसी के साथ वाइप आउट हो जाएगी इस मैच से। टीम गॉड को अभी पुश करना चाहिए रियो के ऊपर, क्योंकि जोन का एक अच्छा फेवर मिलेगा, साथ ही साथ वाइट का बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि टीम रियो के दो प्लेयर ऑलरेडी धराशायी है और बाकी पूरी की पूरी टीम वाटर में दिख रही है, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें टीम एफपीडब्ल्यू के लिए भी रहेंगी। Yes, बिल्कुल मुश्किलें जरूर रह सकती है, बट टीम पहाड़ी के प्लस एक अच्छी पोजीशन पे कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं। अगर ब्रिज के वो नीचे घुस चुके हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन इसी बीच में टीम गॉड ई-स्पोर्ट्स अग्रस करना चाहती है रियो ई-स्पोर्ट्स पे, देखते हैं वो फाइट क्या रहने वाली है, बिकॉज एक्सलाम इन देते हुए विजन ने जरूर रमन को डाउट किया है। एलियट फायर क्या आएगा टीम गॉड ई-स्पोर्ट्स की तरफ से, बिकॉज रियो आगे की तरफ बढ़ते जा रहे, वायरस की तरफ शॉट्स एंड देखते हैं स्पॉट कर रखा है, शॉट लेके काफी अच्छी तरीके से फ्री
फायर का इस्तेमाल करते हुए विजन और एक और नॉक भी आता हुआ। शानदार प्रदर्शन यहाँ पर टीम रियो दिखाती हुई और इस मैच में चिकन डिनर की ओर बढ़ती हुई। हियर वी गो, टीम गॉड का एलिमिनेशन यहाँ से होता है। चार टीमें 13 प्लेयर्स यहाँ से जीवित रहते हैं। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए।